अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटनेस को। हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया हुआ है 7C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो उन 7C's में जो फर्स्ट सी है वो हमारे पास है कम्प्लीटनेस। सो हम देखते हैं कि कम्प्लीटनेस क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। कम्प्लीटनेस मैसेज रिसीवर आइदर लिसनर और रीडर डिज़ायर कम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू देयर क्वेश्चंस। मीन्स कि कोई भी मैसेज रिसीवर है, अगर वो लिसनर है या रीडर है, मीन्स अगर आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एक लिसनर होगा, लेकिन अगर आप रिटन दे रहे हैं, रिटन में कोई पेपर या डॉक्यूमेंट अगर पढ़ रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो एक रीडर होगा। मीन्स कि अगर वो लिसनर है या फिर रीडर है, ठीक है, अगर आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं या रिटन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसकी ये डिज़ायर होगी कि उसको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। मीन्स कि उसके माइंड में जो जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हों, जो जो उसको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस तक पहुंच जाए, ठीक है, ये उसकी डिज़ायर होगी। तो ये होती है कम्प्लीटनेस। तो इन ऑर्डर टू अचीव कम्प्लीटनेस वी कैन कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड, ठीक है। ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनको हम अपने माइंड में रखेंगे। लाइक सबसे पहले है प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मीन्स कि कोई भी अगर टॉपिक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं या अगर आप लिख रहे हैं, आपने रिटन डॉक्यूमेंट दिया है, लेकिन जो रिसीवर होगा उसको ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है, हर किस्म की। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो गाड़ी का हर फीचर, ठीक है, हर चीज़ डिटेल में उसके पास होनी चाहिए। डिटेल में भी अगर मतलब अगर रिटन लंबा लंबा लिखा हो तो वो भी नहीं। जैसे कि अगर आप, मैं आपको ओलेक्स की एग्जांपल देती हूँ कि कार अगर सर्च करें ना वहाँ पे तो आ जाती है, ऑटो आ जाती है, और मतलब पॉइंट्स की सूरत में ना उसके सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, ये इसके अंदर फीचर्स हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक है, इतने किलोमीटर पर आवर चली है, और मतलब वो हेडिंग्स में पॉइंट्स में लिखा होता है सिंपली, और इतना ईजी होता है उसको पढ़ना, बजाय इसके कि वो लिखें कि इट इज़ ऑटोमेटिक। मतलब वो पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय ना वो जस्ट पॉइंट्स लिख देते हैं, और पॉइंट्स से सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इजी टू अडॉप्ट होता है। तो इस तरह से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और इस चीज़ में मैंने दूसरे पॉइंट्स को भी शामिल कर लिया कि जहाँ पे हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या फिर उसको अवॉइड करते हैं या रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, लेकिन कम्प्लीटनेस की बात करनी कि तमाम पॉइंट्स उसको क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से आप उनको तमाम पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, उसके आंसर्स आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, अगर वो कोई भी बात आपसे पूछ रहा है तो आप उसको आंसर करें, ठीक है, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। अगर इन केस तो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, उसके तमाम आंसर खुद ब खुद ही क्लियर होते जाने चाहिए। लेकिन अगर वर्बली आप बात कर रहे हैं तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर भी रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसको सही तरह से गाइड करें, ठीक है। और अगर वो रीडर है तो वो ऑब्वियसली इन रिटर्न आपको कुछ मैसेज भेजेगा कि मुझे इसका बताएं, बट उसको ये भेजने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कम्प्लीटनेस के अंदर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल, ठीक है। कुछ लोग अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपने अपना जो आपका पर्पस था आपने वो अचीव कर लिया, ठीक है। अगर मैं एक रिसीवर हूँ तो मैंने एक सूट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और मैं उससे सेटिस्फाई हो गया, मैंने वो सूट परचेज कर लिया, तो जो अगला मेरा होगा जिससे मैंने सूट लिया है, शॉपकीपर कह लें या कोई भी कह लें, उसका ये उसको चाहिए कि अगर मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ तो वो मुझे दे, क्योंकि मैं उसकी कस्टमर हूँ, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो इन्फॉर्मेशन मेरे काम आ जाए और नेक्स्ट टाइम उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे बहुत से लोगों को और ले जाऊँ, ठीक है। इस तरह से मैं उसके लिए बेनिफिट होगा ये, ठीक है, ये आ जाता है सब कम्प्लीटनेस में। आगे फाइव डब्ल्यूज अथेरी टू अचीव कम्प्लीटनेस, मतलब ये डब्ल्यूज़ आपने फाइव फॉलो करने हैं। इसमें एग्जांपल है कंपनी की, जैसे अगर मैं कहती हूँ फर्स्ट डब्ल्यू है हु, ठीक है, मीन इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, एक कंपनी दे रही है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आई है, इंफॉर्मेशन क्या आई है, वाई क्यों आई है, ठीक है, क्यों आई है कि किसी इवेंट के रिलेटेड आई है, व्हाट क्या इवेंट है, एनुअल मीटिंग है कि उस कंपनी की एनुअल मीटिंग है, दैट्स वाई, व्हेन कब है, डेट और टाइम बताएं,
डेट और टाइम होना चाहिए उसके ऊपर, एंड वेयर लोकेशन मतलब कहाँ पे है वो, तो लोकेशन बताएं। 5 W's कम्प्लीटनेस को अचीव करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हु, वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, वट, क्या इन्फॉर्मेशन है, कब होगा ये काम जो वो दे रहा है, एंड वेयर, कहाँ पे होगा, ठीक है। ये 5 W's आपको फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे कंपनी एग्जांपल थी, मीन्स एक कंपनी एक इवेंट के लिए बुला रही है, ठीक है, और उसने कह लें कि अपने कुछ क्लाइंट्स को इनविटेशन देना है, या मैनेजर्स को देना है, या किसी को भी देना है, अपने एम्प्लॉइज़ को देना है, तो वो ये तमाम फॉलो करेगी, मीन्स बताएगी ये कंपनी है जी, और इवेंट, एक इवेंट है, इवेंट क्या है, एनुअल मीटिंग है, डेट टू टाइम बताएगी, लोकेशन बताएगी, ठीक है। इस तरह से वो एक इन्विटेशन कम्प्लीट हो जाएगा, एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप आप लोगों को कम्प्लीटनेस का जो एक बेसिक पर्पस था या अंडरस्टैंडिंग थी वो हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो लाइक करे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।